नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूँ शोभा। आप आए शोभा रसोई में। शोभा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक दिन हमने सोया चाप बनाए थे घर पे। हमारे यहाँ दिल्ली बॉम्बे में सब तो मिल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुवाहाटी आसाम में नहीं मिलते हैं सोया चाप रेडीमेड। तो हमने घर में बनाए थे, तो आज उसका हम एक रेसिपी बनाएंगे। उसका नाम है मलाई चाप। सबके अपने अपने तरीके होंगे होते हैं और मेरे अपने तरीके हैं। चलिए कैसे बनता है देखते हैं मलाई सोया चाप। हमने सोया चाप फ्रीजर से निकाल के 5 मिनट के लिए हमने बॉईल कर लिए थे, उसको ठंडा कर लिए हैं। अब ठंडा करने के बाद इसको हम एक अलग साइड में रख देंगे। उसके पहले हम दही लेंगे, मलाई लेंगे। आप चाहे क्रीम हो तो क्रीम ले लीजिएगा। थोड़ा सा दूध ले लेंगे, दो कैप्सिकम, दो प्याज, धनिया पत्ती एक कप जितना, और अदरक लहसुन का पेस्ट। हम कच्चा नहीं डालेंगे, बहुत लोग नहीं डालते, लेकिन सोया चाप है ना, थोड़ा सा लहसुन अदरक नहीं पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता है। हमने क्या किया, थोड़े 7-8 कलियां लहसुन के, आधा इंची टुकड़े अदरक के पीस के हमने इसको थोड़ा सा बटर में फ्राई कर लिया, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। हमने काजू को भिगो के रखे थे गर्म पानी में, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। पहले थोड़ा सा दूध डाल देंगे पीसने के लिए। ये हमने पेस्ट बना लिए, महीन पेस्ट होना चाहिए काजू के। हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। जिसमें हमने काजू पीसे उसी में हम ये धनिया पत्ती और 5-6 हरी मिर्च हमने काट के डाल दिए, इसको पीस लेंगे। ये हमने पीस लिए, देखिए हरा धनिया और हरी मिर्ची। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये मलाई डाल देंगे, क्योंकि मलाई हमको फेंटना था। तो हम इसी में मिक्सी में थोड़ी सी 2 सेकंड के लिए, मलाई चाप है तो मलाई खूब सारा ही डालिएगा। मलाई चाप 2 सेकंड के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर ले, ताकि हमें फेंटना ना पड़े, नहीं तो फिर अलग से हमें फेंटना पड़ता। ये हो गया, अब सबको हम बाउल में डाल लेंगे। हम इसमें डाल देंगे सर। हम दही लेंगे आधा कटोरी, दही को इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर क्रश की हुई है, फिर ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारा वो डाल देंगे। इसे अच्छा से हम फेंट लेंगे। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। हरी मिर्ची आप अपना जितना तीखा खाना चाहते हो उतना डाल सकते हैं आप। मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, आपको तीखा ज़्यादा पसंद है थोड़ा और डाल सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। ये होममेड गरम मसाला है तो हम 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर फेंट लेंगे। चाप हमारी ठंडी हो गई, इसको हम निकाल लेंगे, ऐसे इजीली निकल जाता है। ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा फ्रीजर में रख दूंगी इसको। ये हमारा आधा घंटा हो गया, हमने फ्रीजर में रखे थे। अभी से हम शैलो फ्राई करेंगे। मैं पैन गरम कर लिया, इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे घी। फ्रेंड, आप तेल से भी बना सकते हो, लेकिन जो टेस्ट घी में आएंगे, मलाई चाप है तो घी में आएंगे। बटर भी डालेंगे हम थोड़ा, 2 चम्मच।
ये हमारे गरम हो गए, इसको हम डाल देंगे इसमें अब चाप। ये हमारे सोया सिकने वाले हैं, अभी इसको हम निकाल देंगे इस प्लेट पे। सोया चाप फ्राई हो गए, इसे अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने पर ही हम इसे काटेंगे, नहीं तो टूटने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम इसे 10 मिनट ठंडा होने देंगे। एक बड़ा चम्मच घी हमने गरम कर लिया, इसमें हम 2 बड़ी इलायची डाल देंगे और 2 तेज पत्ता डाल देंगे, इसके फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए। डाल देंगे शिमला मिर्च, जब तक हमारा प्याज सिकता है इसको हम काट लेंगे 3 टुकड़ों में। बहुत ही सॉफ्ट है, प्याज आधा सिक गए, शिमला मिर्च भी सिक गए। अभी इसमें हम डाल देंगे ये मैरिनेट, हल्का सा हमको नमक कम लगा तो नमक डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे सोया चाप, इसे अच्छा से कर लेंगे, हम मिक्स कर लेंगे अच्छा से। ये हमारा सोया चाप बन के रेडी हो रहा है, बस 2 मिनट और हम इसको एक अच्छा से थोड़ा सेक लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे सोया चाप रेडी हो गए, हम इसको स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप क्रीम डाल के ग्रेवी बना के इसको रुमाली रोटी पराठे नान के साथ भी खा सकते हो आप। हमने गैस को कर दिया ऑफ, अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड, हमारे ये मलाई चाप बनके रेडी हो गए, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी बनाइएगा, खाइएगा। मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे ये एपिसोड देखने, मेरी ये रेसिपी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, और मेरी रेसिपी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बाय।